पार्ट 11 लैंप पोस्ट की रोशनी में अध्ययन। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का बचपन बहुत गरीबी और विपन्नता की स्थिति में बीता था। गरीबी के कारण कभी कभी तो उन्हें पूरे परिवार सहित भूखो ही सोना पड़ता था, मगर भूखा होने के बावजूद भी वह अपनी पढ़ाई के काम में रुकावट नहीं आने देते थे। वे रात में घासलेट मिट्टी का तेल से जलने वाली कुप्पी की रोशनी में ही पढ़ाई किया करते थे, किंतु गरीबी का इतना भयंकर प्रकोप था कि कभी कभी कुप्पी जलाने के लिए मिट्टी का तेल का प्रबंध भी नहीं हो पाता था। रोशनी के अभाव में भीम पुस्तक पढ़ने के लिए तड़प उठते थे। एक दिन उनके पिता ने भीम को बताया कि हमारी गली के छोर पर, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, सड़क के किनारे एक लैंप पोस्ट बिजली का खंभा लग गया है, अब उसी की रोशनी में पढ़ लिया करो। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। भीमराव को अपनी अध्ययन पिपासा शांत करने के लिए रात में क्या चाहिए था, रोशनी, जो उसको मिल गई। उससे उसकी आंखों में तुरंत चमक दौड़ गई और अपने पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी पुस्तकों के साथ वह लैंप पोस्ट की ओर चल दिया। लैंप पोस्ट सड़क के किनारे बने हुए एक फुटपाथ यानी पटरी पर लगा हुआ था और फुटपाथ के साथ ही एक पत्थरों की दीवार बनी हुई थी। इसी दीवार के साथ कमर सटाकर बालक भीमराव देर रात तक अध्ययन करता रहता था। यह क्रम इसी प्रकार कई वर्षों तक चलता रहा। ऐसी विपन्नता एवं कष्टों भरे वातावरण में हमारे मुक्तिदाता का बचपन बीता। इतनी विपरीत परिस्थितियों में अध्ययन करने के बाद भी उन्होंने बड़े बड़े महाविद्यालयों में पढ़ने वाले तथा कथित विद्वानों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। लैंप पोस्ट के नीचे बैठ बैठ कर पढ़ाई करने वाले इस बच्चे को देखकर भला कौन कह सकता था कि यह भावी भारत का संविधान निर्माता बनेगा। लैंप पोस्टर की रोशनी में पढ़ने लिखने वाले भीमराव ने इतनी विद्वता हासिल कर ली थी जिससे उसने भरपूर रोशनी में अध्ययन करने वाले तथा कथित विद्वानों को भी पटखनी दे दी थी। साथियों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। आगे का पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल विनय बौद्ध को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।